दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेना अग्निवीरों को लेकर किस तरह की योजना बना रही है। वो क्या सोच रही है कि अगले 4 साल बाद जब अग्निवीर यहाँ से कार्यमुक्त होंगे तो वो किस तरह से अपनी जीवन शैली को मेंटेन कर पाएंगे, उनके जॉब सिक्योरिटी को लेकर क्या योजनाएँ बना रही है। तो पहली बात कर लेते हैं कि जब 4 साल बाद आप कार्यमुक्त होंगे, उसमें से 25% ऐसे अग्निवीर होंगे जिन्हें सेना में फिर से शामिल होने का मौका मिलेगा। अर्थात अगर आपके 1000 पद हैं तो उसमें 250 अग्निवीर वापस सेना में 15 वर्ष की नियमित सेवा में चले जाएंगे। जो 75% हैं, 750 होंगे, उन्हें अलग अलग विभागों में जाने का मौका मिल सकता है। अगर वह स्वरोजगार करना चाहते हैं तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें सस्ते कर्ज दिलाए जाएंगे जिससे वो अपना रोजगार अपना स्वव्यवसाय कर सकें। साथ ही यहाँ पर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आपको 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जवान होते हैं ज़्यादातर 10वीं पास होने के बाद ही सेना में चले जाते हैं। अब जब आपको 12वीं का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो इससे आपके पास वैकेंसी बहुत से विभागों में जाने के अवसर भी खुल जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स में आपको यहाँ पर 10% का आरक्षण देने की बात की गई है, जैसे आपके CRPF हैं, असम राइफल्स हैं, और साथ में उसमें आपको उम्र में भी रियायत देने की बात की गई है, अर्थात 3 से 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी देने की बात की गई। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसे कुछ राज्यों ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने यहाँ भी अग्निवीरों को वरीयता देंगे शामिल करने में जो हमारे विभाग हैं। रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाएगा उनके डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज आएंगी। यहाँ पर मर्चेंट नेवी ने भी कहा है कि अग्निवीरों को हम शामिल करेंगे, प्राथमिकता देंगे, जो और हो सकता है वहाँ रिजर्वेशन भी मिले। उनका कहना है कि अग्निवीर जो यहाँ से ट्रेंड होकर जाएंगे, इन्हें जो व्यवसायिक सर्टिफिकेट मिलेंगे, इसे मर्चेंट नेवी में कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं। सेना का ये भी कहना है कि अग्निवीरों के लिए ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे जिससे वो चाहें तो आगे की शिक्षा भी कंप्लीट कर सकते हैं और उनके लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। और वैसे भी सेना के जवानों को हर जगह जॉब में प्राथमिकता मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो अभी बातें हो रही हैं इसे अतिरिक्त आरक्षण देने की बात हो रही, जो सेना में पहले से आरक्षण मिल रहे हैं इसके अलावा भी ये 10% आरक्षण की बात हो रही है। तो यहाँ तटरक्षक बल ने भी कहा है कि वह अग्निवीरों को 10% आरक्षण देंगे। दोस्तों, अभी योजना बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। 14 जून 2022 को इसका अनाउंसमेंट हुआ है, तो अभी इसको लेकर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अनओपेंड है, खुली नहीं है, क्योंकि जब भी कोई योजना लॉन्च होती है तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। कितने लोग, कैसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही है रोजगार को लेकर तो उन्हें कैसे मदद पहुंचाई जाएगी। सेना का ये भी कहना है कि हमसे जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी जवान जुड़ता है तो हमारी फैमिली का हिस्सा होता है। वो जॉब में रहे या रिटायर हो जाए, उसे हम हमेशा अपना हिस्सा मानते हैं, उसकी हमेशा फिक्र करते हैं। तो सेना इस जज्बे को बनाए रखेगी और किस तरह से आपका ख्याल रखेगी इसके लिए भावी योजनाएं जरूर तैयार करेगी। साथ में सेना का ये भी कहना है कि जो वैकेंसी आज हम 46,000 शुरू कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगी, यह धीरे धीरे 4 साल में बढ़कर 1.25 लाख तक जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी उनके पास ट्रेनिंग के सारे सिस्टम डेवलप नहीं हो पाए हैं और ये सारी चीज़ें जब डेवलप हो जाएंगी तो ज़्यादा मात्रा में रिक्रूटमेंट होंगे। सेना का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं कि युवाओं के आक्रोश के कारण ये सारी घोषणाएं की जा रही, आरक्षण देने की बात या लोन देने की बात, ये सेना की योजना में शामिल है और ये 14 जून 2022 से पहले ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। जो कि राज्यों में जो नौकरी का मसला है ये राज्यों पर निर्भर करता है। राज्यों ने वहाँ पर कहा हुआ है कि हम अपने यहाँ भी इन्हें शामिल करेंगे और धीरे धीरे सारे राज्य इस पर ओपनली खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, हम इन्हें शामिल करेंगे। कुछ दोस्तों इसमें राजनीतिक मसला भी हो सकता है कि कुछ राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार हो तो वो इन चीज़ों को थोड़ा धीरे इम्प्लीमेंट करें, और कुछ में वही शासन हो, सरकार हो जो केंद्र में हो, तो वो जल्दी इसकी घोषणाएं करें।
लेकिन देर सवेर सारी चीज़ें शामिल जरूर होंगी। सेना के जवानों को जो भी अग्निवीर हैं उन्हें मौका अवश्य मिलेगा हर राज्य में। बस आपको ख्याल यही रखना है कि सेना में अगर जाना है तो आपके ऊपर कोई भी FIR नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपके ऊपर कोई FIR होता है तो आप इनवैलिड हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने स्तर से देख लीजिए, क्या अब भी आपको लगता है कि सेना में जाना चाहिए या आपको लगता है सेना में नहीं जाना चाहिए, दोनों निर्णय आपके होंगे। मेरी व्यक्तिगत कोई भी राय नहीं इस मामले में, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।